हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तर कल्पेश। वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास टेक्निक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ डीजीपी के बारे में। और डीजीपी में आपको मैं आज कैश विद्रो करके दिखाऊंगा, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का। अगर आप सही तरीके से डीजीपी में यूज़ करते हो तो आपको कभी भी एरर नहीं आएगा। तो और सीसी से जुड़े वीडियो मेरे चैनल पर अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रोज आपको नए नए वीडियो सीसी की सर्विस के बारे में देखने को मिलते रहे। तो इसके लिए हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो अपना डीजीपी है वो ओपन करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना डीजीपी ओपन कर लेना है। और जो सी एस सी आई डी लिखा है यहाँ पे, आपको अपना जो भी सी एस सी आई डी है वी एल ई, वो अपना यहाँ पे सी एस सी आई डी डाल देना है। सी एस सी आई डी डालने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर लेना है। और जो स्कैन का बटन है वहाँ पे क्लिक करके अपने जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है डीजीपी से, उस फिंगरप्रिंट डिवाइस पे एक लाइट शो होगा, वहाँ पे आपको अपना फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेना है। और स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल या ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। आपने जो भी मोबाइल और ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है डीजीपी से, उस पर एक ओटीपी जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल पे ओटीपी जाता है, और कई बार कुछ अपडेशन या प्रॉब्लम चल रही होती है तो आपका ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाता है। तो ये हमारा ओटीपी सेंड हो गया है। तो ये जो विंडो शो हो रही है ओटीपी रिक्वेस्ट, उसको आपको क्लोज कर लेना है। हमारा ओटीपी चला गया है। तो ये हमारा जो मोबाइल है उस पर मेल पे एक ओटीपी आ गया है। तो हम ओटीपी यहाँ पे आप डाल देंगे तो ये विंडो को पहले क्लोज कर लेते हैं। एंटर ओटीपी पे हम जो भी ओटीपी आया वो यहाँ पे डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद वैलिड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ओटीपी वैलिडेशन। इसके बाद आपको जो ये ओटीपी वैलिडेशन का विंडो शो हो रहा है उसको क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपका जो डीजीपी है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो डीजीपी है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, वहाँ पे जो भी आपको वॉलेट में बैलेंस है वो भी शो हो रहा है। और विड्रो वाला ऑप्शन हमने क्लिक करके ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपका जो भी कस्टमर का बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे उसको जितना भी विड्रो करना है वो टाइप कर लेना है। और नीचे जो कस्टमर का आधार नंबर है, यूआईडी नंबर, वो यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर या वीआईडी नंबर आप जो भी हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद डुअल फिंगर एंड फिंगरप्रिंट स्कैन स्कैन करके यहाँ पे आपको कस्टमर का जो फिंगर है वो, जो आपका मोरपा डिवाइस है, कुछ जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है उससे उसको फिंगर स्कैन करा लेना है। स्कैन करने के बाद 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आपका जो स्कैन किया है उसका एक नया विंडो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यानी कि आपने जो 100 रुपये विड्रो किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में से कस्टमर के, वो उसके खाते से विड्रो हो चुके हैं और आपके जो वॉलेट है उसमें ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको उसको कितना पैसा निकला है वो दिख रहा है, उसका जो रेफरेंस नंबर है वो, और कहाँ से निकाला है वो, उसका आईडी दिखाई देगा, और उसका जो बचा हुआ बैलेंस है अकाउंट बैलेंस वो भी नीचे शो हो रहा है 17 रुपये। नीचे जो आप जिस बैंक में से अपने पैसा निकाला वो बैंक का नाम लिख के आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कैश विड्रो कर सकते हैं। और कैश विड्रो करने के बाद अगर आपको कस्टमर को स्लिप देना है तो आप स्लिप निकाल के दे सकते हो कि
कितने उसके जो है पैसे विड्रॉ किए हैं, तो स्लिप कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। कि ये जो विंडोज हो रहा है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल वाला, उसको आपको क्लोज कर लेना है। तो हम वो विंडो को क्लोज कर लेते हैं। विंडो को क्लोज करने के बाद जो राइट साइड है डीजीपी का, वहाँ पे एक प्रिंट जनरेट होगा, प्रिंट रिसीप, उस रिसीप का आपको ओपन कर लेना है। इस रिसीप में शो जाएगा कि उसने कितने पैसे विड्रॉ किए, कौन से बैंक में से, कौन से रेफरेंस नंबर से और कहाँ से, एजेंट नेम, सब कुछ यहाँ पे शो जाएगा। इसका प्रिंट निकाल के आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। उसके बाद जो हमारे वॉलेट में पैसे ऐड हुए हैं, उसको चेक करने के लिए आपको जो पासबुक का बटन जो लेफ्ट साइड पे लास्ट में दिया हो, यहाँ पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा जो आपका पासबुक है वो शो हो जाएगा, और जो आपने 100 रुपये अभी विड्रॉ किए है वो भी यहाँ पे शो होगा। जो फर्स्ट नंबर पे वो आपका जो हमने अभी 100 रुपये भी कैश विड्रॉ किए बड़ा बैंक से, वो शो हो रहा है। तो आपको टोटल बैलेंस यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद ही आपको कस्टमर को पैसा देना।